एक तरफ अगर रहेगा केएल राहुल का लखनऊ सुपर जायंट्स तो वहीं पर दूसरी तरफ रहेगा ऋषभ पंत का दिल्ली कैपिटल, जो कि अपना अपना टीम को ठीक ठाक तरीके से तो भाई ऊपर ले जा रहा है, क्योंकि दोनों का ही कप्तानी ना एक देखने वाला विषय होगा। और कप्तानी अच्छा करके कौन एक को पीछे छोड़ देता है इसके ऊपर भी ज्यादातर गौर रहेगा। तो उस बेसिस पर ये मैच दोनों टीमों के लिए ही एक वाइटल तो मैच होने ही वाला है, क्योंकि दोनों टीम ही चाहेगा पॉइंट ज्यादा लेकर अपने आप को ऊपर रखना। ठीक है, तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि ये जो मैच खेला जाने वाला है ना लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, ये मैच आईपीएल 2022 का 15 नंबर का मैच होने वाला है, जो कि 7 अप्रैल को खेला जाने वाला है शाम 7:30 बजे से। और ये मैच होने वाला है डीवाई पाटिल स्टेडियम में। तो सबसे पहले अगर हम एकदम से डीवाई पाटिल का पिच के बारे में थोड़ा सा सबसे पहले ही बात कर लेना, तो डीवाई पाटिल का जो पिच है ना वो बेसिकली मतलब बैटर लॉक के रिलेटेड ही पिच है, और वो पिच में ना बैटर लॉक का भरपूर मदद होगा, और उसके साथ गेंदबाजी में जो पेस गेंदबाजी करेगा ना उनका तो मदद है ही, और उनके साथ स्पिन गेंदबाज का भी मदद है। जिनके पास क्वालिटी गेंदबाजी ऑप्शन है वो इस मैच को डोमिनेट करेगा, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ, क्योंकि बल्लेबाजी से दोनों टीमों का ही रन भर भर के आएगा। उसके बाद अगर हम बात करने जाए कि ये जो मैच होने वाला है ना इस मैच में क्या क्या टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले होंगे, तो वो सबसे पहले आप सभी लोग जान लो। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो ये दोनों टीम के बारे में हिट टू स्टेटिस्टिक बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि लखनऊ इस रिसेंट टाइम में फर्स्ट टाइम आया है, तो इस जगह पर हिट टू तो नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उसके बाद हम बात करेंगे कि प्लेइंग 11 दोनों टीमों का क्या बन सकता है इस मैच के लिए, उसके बाद दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे, एंड कंपैरिजन करके बताएंगे कि कौन सा टीम इस मैच में जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है। और उसके मिडिल में ना हम बताएंगे कि बेस्ट राइवलरी इस मैच में 1:1 हमको देखने को क्या मिल सकता है, जो कि ये ना बहुत ही ज्यादा एक बेहतर मैच होने वाला है। और इसी की वजह से ये ना मेरा एक नेक्स्ट सेगमेंट है, इसको ना आप लास्ट तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि मेरे बारे में कि मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो एडी क्रिकेट न्यूज, अगर मेरा ऐसा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से दबाओ और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करो, क्योंकि कितना पब्लिक भाई सब्सक्राइब ही नहीं करते, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर हम एकदम से प्लेइंग 11 के ऊपर देखें तो प्लेइंग 11 दोनों टीमों का क्या बन सकता है, ठीक है, लखनऊ का और दिल्ली का। तो सबसे पहले अगर हम लखनऊ के बारे में बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या बन सकता है वो आप सबसे पहले देखो। आई थिंक सिमिलर काइंड ऑफ प्लेइंग 11 ही खेलेगा, क्योंकि मार्कस स्टॉइनिस जब आ जाएगा तो मार्कस स्टॉइनिस का वापसी इस टीम में हो जाएगा, लेकिन मार्कस स्टॉइनिस रिसेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है, जो प्लेइंग 11 पिछला वाला मैच खेला था वही प्लेइंग 11 लेकर ही उतरने वाला है लखनऊ। केएल राहुल और गुंडन डी को ओपन करने वाला है तीसरे नंबर पे, मनीष पांडे 4 नंबर पे, एविन लुइस 5 नंबर पे, दीपक हुडा 6 नंबर पे, आयुष बदोनी 7 नंबर पे, कुणाल पांड्या 8 नंबर पे, जसन होल्डर 9 नंबर पे, आवेश खान 10 नंबर पे, रवि बिश्नोई और लास्टली 11 नंबर पे एंड्रू टाई। तो ये मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 बन सकता है लखनऊ के टीम का। आप सभी लोगों का क्या राय है इसके बारे में जरूर से कमेंट कर बताओ। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कि डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, तो दिल्ली कैपिटल्स का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या बन सकता है, तो दिल्ली कैपिटल्स भी ना अपना सिमिलर काइंड ऑफ प्लेइंग 11 लेकर ही चल सकता है, लेकिन डेविड वॉर्नर का वापसी इस मैच में हो सकता है। और अगर डेविड वार्नर का वापसी होता है ना तो भाई बंदा तो भाई क्या बताए, मतलब डेविड वार्नर द ग्रेट डेविड वार्नर, ठीक है, इसके ऊपर कोई शब्द नहीं होगा इनको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि डेविड वार्नर और पृथ्वी शाह ओपन करने वाला है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखो मनदीप सिंह ना उतना भी कारगर साबित नहीं हो रहा है, तो टीम साइफर्ट आपके लिए ओपन कर रहा था, तो 3 नंबर का पोजीशन ना टीम साइफर्ट को भी दे सकते हो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि अगर जब मिचेल मार्श आ जाएगा तो मिचेल मार्श को ही 3 नंबर के पोजीशन पर खिलाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं है, तो टीम साइफर्ट को देखकर देख सकते हो या फिर मनदीप सिंह मैं जैसे बताया। उसके बाद 4 नंबर पे ऋषभ पंत, 5 नंबर पे ललित यादव, 6 नंबर पे रोमन पवेल, 7 नंबर पे अक्षर पटेल, 8 नंबर पे शार्दुल ठाकुर, 9 नंबर पे कुलदीप यादव, 10 नंबर पे खलील अहमद, और लास्टली 11 नंबर पे मुस्ताफिजुर रहमान। तो ये मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली का प्लेइंग 11 बन सकता है। आप सभी लोग इसके बारे में क्या रहे जरूर से कमेंट कर बताओ। लेकिन मैं उस जगह पर अगर बताऊं ना कि दिल्ली और LSG मतलब यानी लखनऊ सुपर जायंट्स, ये दोनों टीमों में से आपको कौन सा टीम ज्यादा बेहतर लग रहा है वो सबसे पहले बताओ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर हम कंपटीशन में आए ना तो कंपटीशन क्या बन सकता है। तो सबसे पहले अगर हम ओपनिंग कंपटीशन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो ओपनिंग कंपटीशन क्या बन सकता है, देखो सबसे पहले दिल्ली के लिए ओपन करने वाला है प्रीति साहू के साथ डेविड वार्नर, और वैसा ही लखनऊ के लिए ओपन करने वाला है क्विंटन डीकॉक के साथ आपका केएल राहुल। तो इस विभाग में मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि टाई बनेगा, क्योंकि प्रीति साहू भी उतना बहुत बढ़िया तरीके से हर मैच में परफॉर्म नहीं कर रहा है, वैसा है केएल राहुल भी उतना बढ़िया तरीके से हर मैच में तो भाई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। क्विंटन डीकॉक का भी वही हालात है, क्योंकि मतलब खेल दे रहा है ठीक ठाक, लेकिन जब डेविड वार्नर आएगा ना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला
चीज़ इंक्लूड करेगा, और अगर वो अपने पोटेंशियल पे खेलता है तो इस विभाग में तो भाई ओपनिंग में मतलब टाई नहीं, दिल्ली का ही पल्ला भारी रहेगा, लेकिन अभी भी वो नहीं खेला है, इसी की वजह से मैं इस विभाग में टाई दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में दिल्ली के लिए खेलने वाला है कौन कौन सा खिलाड़ी, अगर मनदीप सिंह को खिलाया जाता है तो मनदीप सिंह ही, तो मैं उनको पकड़ कर ही चलता हूँ, मनदीप सिंह, उसके बाद हमारा ऋषभ पंत, उसके बाद ललित यादव, और वैसे ही लखनऊ के लिए मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला है एविन लुइस, उसके साथ अगर बात करें दीपक हुडा चार नंबर, उसके साथ अगर हम बात करें मनीष पांडे, और उसके बाद दीपक हुडा। तो इस विभाग में मैं बताऊंगा एविन लुइस एक मैच जीतवा चुका है, दीपक हुडा भी हर मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, वैसे अगर हम बात करें ललित यादव का भी फॉर्म ठीक ठाक जा रहा है, वो भी अच्छा खासा फॉर्म से लीग की ओर से ठीक ठाक खेल रहा है, और ऋषभ पंत तो भाई अपना मतलब पोटेंशियल पे ही खेलता है, मनीष पांडे को उतना खास नहीं है, मनदीप सिंह का भी उतना खास नहीं है, तो इस विभाग में भी मैं बताऊंगा कि टाई बन सकता है। उसके बाद अगर हम लोअर मिडिल ऑर्डर के बारे में बात करें तो लोअर मिडिल ऑर्डर में दिल्ली के लिए खेलने वाला है कौन कौन सा खिलाड़ी, उमन पवेल, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर, और वैसे ही अगर हम LSG लखनऊ की ओर देखें ना, तो लखनऊ के लिए लोअर ऑर्डर में खेलने वाला है आयुष वधोनी, कुणाल पांड्या और जेसन होल्डर, कुणाल पांड्या, आयुष वधोनी, ये सब खिलाड़ी ना ठीक ठाक खेल दे रहा है, और आयुष वधोनी ना बेसिकली अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है हर मैच में, लेकिन वहीं पर अक्षर पटेल भी ना ठीक ठाक लप्पेबाजी कर रहा है, और लास्ट में अगर भाई एक मैच तो वो अकेले के दम पर ही जीता दिया था, तो आप क्या बताओगे, तो वो बढ़िया खेल रहा है। उसके साथ अगर हम बात करें रोमन पावेल, क्वालिटी है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इंप्रूव करने का जरूरत है, अगर इंप्रूव कर लेता है तो क्वालिटी बहुत मतलब बहुत है, ठीक है। उस जगह मैं बताऊँ कि शार्दुल ठाकुर भी ठीक ठाक खेल देगा, उस जगह पर मैं बताऊंगा कि दिल्ली और LSG में इस लोअर ऑर्डर में भी टाई होगा, क्योंकि क्वालिटी दोनों टीमों में ही है, ठीक है, और मैच भी ठीक ठाक खेल दे रहा है दोनों टीम के ओर से, उन दोनों टीमों का लोअर ऑर्डर, तो उस जगह मैं बताऊंगा कि इस जगह पर भी टाई बन सकता है, मतलब लोअर ऑर्डर में। और उसके बाद अगर स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बात करें तो स्पिन बॉलिंग करने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के ओर से कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और ललित यादव, और LSG लखनऊ की ओर से स्पिन बॉलिंग करने वाला है रवि बिश्नोई, कुणाल पांड्या और दीपक हुडा। तो इस विभाग में मैं टाई बताऊंगा, क्योंकि रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव दो क्वालिटी गेंदबाज है, अक्षर पटेल भी क्वालिटी गेंदबाज है, लेकिन दीपक हुडा और कुणाल पांड्या भी ना अपना मतलब गेंदबाजी को ना थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया है, तो उस जगह पर मैं इस विभाग में भी टाई बताऊंगा। और लास्टली अगर ना पेस बॉलिंग अटैक के बारे में बात करना, तो पेस बॉलिंग करने वाला है दिल्ली के ओर से मुस्ताफिजुर रहमान, खलील अहमद और शार्दुल ठाकुर, और वैसा ही LSG के ओर से पेस बॉलिंग करने वाला है आवेश खान, जेसन होल्डर, एंड्रू टाई, दोनों का ही ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला गेंदबाजी क्रम नहीं है, मतलब पेस बॉलिंग का भी नहीं है, स्पिन बॉलिंग का भी नहीं है, तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि पेस बॉलिंग में भी टाई बनेगा और स्पिन बॉलिंग में तो टाई है ही। और अगर हम ओवरऑल में देखने को जाए ना, तो ओवरऑल में आप देखो टोटल टाई हो गया है, तो अभी आप क्या बताओगे, तो मुझे लगता है कि क्या हो सकता है इसके बारे में लास्ट में बताता हूँ। तो उससे पहले ना आप बेस्ट राइवलरी के बारे में थोड़ा सा जान लो कि बेस्ट राइवलरी इस मैच में 1:1 किसके सामने कौन आने वाला है, कौन ज्यादा अपने आप को अच्छे तरीके से ऊपर ले जाने वाला है, उसके ऊपर गौर देंगे, तो कौन सा राइवलरी सबसे ज्यादा देखने को बढ़िया लगेगा वो ना आप लास्ट में बताओगे, लेकिन सबसे पहले जान लो। तो पहला वाला जो राइवलरी बनने वाला है, KL राहुल भाई ओपनिंग करने उतरेगा लखनऊ के लिए, तब गेंदबाजी करने को आएगा दिल्ली के ओर से शार्दुल ठाकुर ऊपर में, और शार्दुल ठाकुर जब स्विंग करवाएगा ना, तो KL राहुल कैसे खेलता है इसके ऊपर तो भाई एक देखने वाला चीज होगा, तो ये राइवलरी जमेगा भाई देखने को। उसके बाद आता है दीपक हुडा, जो कि हर मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो दीपक हुडा जब बल्लेबाजी करेगा उनके सामने कौन आएगा, कुलदीप यादव, स्पिन गेंदबाजी को लेकर। और ये वाला कुलदीप यादव ना आपको पहला वाला जो KKR के ओर से खेलता था, जो पिटाई खाता था, वो वाला कुलदीप यादव नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ना भाई विकेट चटका रहा है लिटरली, मतलब आता है और विकेट चटकाता है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एक कुलदीप यादव को देखने को मिल रहा है रिसेंट टाइम में। तो ये भाई देखने को एक राइवलरी होगा कि दीपक हुडा कैसे तरीके से उनको खेलता है मिडिल ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद आता है दिल्ली का बैटर लोग के साथ लखनऊ का गेंदबाजी क्रम का राइवलरी क्या हो सकता है। तो जब डेविड वार्नर बल्लेबाजी करने आएगा ओपनिंग में, ठीक है, तो डेविड वार्नर को तो भाई वापसी होने वाला है, तो डेविड वार्नर जब बल्लेबाजी करने आएगा ओपनिंग में, तो आवेश खन्ना ऊपर से आएगा और गेंद को स्विंग करवाने को देखेगा, तो वैसे तरीके से जब गेंदबाजी होगा तब कैसे तरीके से डेविड वार्नर अपने आप को इम्प्रूव करता है, ये भाई देखने वाला चीज़ है। लेकिन डेविड वार्नर अलग लेवल का मतलब खिलाड़ी है, इसके बारे में हम क्या बताएं, मतलब बताने की बात नहीं है। उसके बाद जब ऋषभ पंत मिडिल ऑर्डर में आएगा ना, तब लखनऊ मतलब KL राहुल ना बताएगा रवि बिश्नोई को, तो भाई तू जाकर विकेट लेकर दे, तो तब रवि बिश्नोई के साथ
ऋषभ पंत का जो ड्यूल देखने को मिलेगा ना वो भाई एक देखने वाला चीज होगा। और लास्टली अगर हम बात करें कि आयुष वधौनी जो एक उभरता हुआ सितारा आ रहा है, तो उसके सामने जब आएगा मुस्ताफिजुर रहमान लास्ट में गेंदबाजी करने को, तो मुस्ताफिजुर को कैसे खेलता है, कैसे तरीके से स्लोअर को इंक्लूड करता है छः में, तो उसको ही देखना बनता है। ठीक है, तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि ये भी एक बेस्ट राइवलरी हमको देखने को मिल सकता है इस मैच में। ठीक है, तो उस जगह पर आप सभी लोगों का क्या रहे कि कौन सा राइवलरी सबसे ज़्यादा देखने को बढ़िया रहेगा वो ज़रूर से कॉमेंट कर बताओ। और लास्टली अगर हम बात करें कि कौन सा इस मैच को जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज से जीत सकता है, तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि नो डाउट दोनों टीमों का ही पल्ला वो तो भाई कंपैरिजन में टाई होगा है। लेकिन अगर डेविड वार्नर जब खेलेगा ना, वो अगर अपना पोटेंशियल पे खेल जाए ना, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किसी का भी दम नहीं है कि दिल्ली को हराए, क्योंकि दिल्ली के पास एक डेविड वार्नर है जो कि और किसी टीम के पास नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो उस जगह मैं बताऊँगा कि इस मैच में दिल्ली का पल्ला थोड़ा सा भारी रहेगा। आप सभी लोगों को क्या लगता है? तो मैं बेसिकली दिल्ली को 51% दूंगा और LSG को 49% से आगे पीछे रखने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों का क्या राय है इसके बारे में जरूर से कमेंट कर बताओ। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और इस मैच में कौन सी टीम आप लोगों को मतलब जीत सकता है बताओ, और कौन सा राइवलरी ज्यादा बेहतर है वो भी जरूर से कमेंट करो बताओ, क्योंकि IPL है इंडिया का त्यौहार। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।